तो दोस्तों Redmi की लाइनअप Note सीरीज इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। तो दोस्तों Redmi की तरफ से Redmi Note 12 सीरीज इंडिया में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 12 Ultra के बारे में कि कब तक और कितने प्राइस में आएगा और क्या कुछ खास फीचर मिलेंगे आपको फोन में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरास की। तो यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा और यहाँ पर आपको सैमसंग का लेटेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो मिलेगा। इस फोन से आप 10K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस बार दोस्तों Xiaomi के Redmi फोन में आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट दिए गए हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, AI कैम का, ब्यूटी का, पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, सुपर नाइट का, AI शॉट, अल्ट्रा HD का, स्लो मो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस फोन से, पैनोरामा का दिया है, डॉक्यूमेंट का दिया है और टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट में Redmi ने इस बार बहुत सारे आपको फीचर दिए गए हैं। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस फोन से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से और उसी के साथ फेस ब्यूटी एंड पोर्ट्रेट शॉट भी ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो सुपर एमोलेड होने की वजह से डिस्प्ले की कलर क्वालिटी जो काफी अच्छी देखने को मिलती है और जो डिस्प्ले है वो HDR 10 प्लस को सपोर्ट करती है। और उसी के साथ आपको डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है और ये जो डिस्प्ले है वो 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट भी करती है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है और फ्रंट और बैक पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की कोटिंग दी गई है। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की। तो फोन में आपको 6000 mAh की बिग बैटरी का सपोर्ट दिया गया है जिससे दोस्तों आप लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। और उसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको फोन के अंदर 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के OS एंड परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको Qualcomm की तरफ से Snapdragon का 895 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 5G को सपोर्ट करता है। दोस्तों Qualcomm की तरफ से इसके टक्कर का कोई भी प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है, ये सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आप हाई ग्राफिक्स वाले गेम को स्मूथली खेल सकते हो। फोन में आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी फोन में आप लंबे समय तक गेमिंग भी करोगे तो फोन जो है आपका हीटिंग नहीं होगा। फोन में आपको MIUI 12 का सपोर्ट मिलता है जो कि लेटेस्ट है। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन की। तो दोस्तों इस फोन का जो डिजाइन है वो काफी यूनिक देखने को मिलता है। नोट सीरीज के जो फोन होते हैं दोस्तों उसका जो फोन का डिजाइन होता है वो हमेशा डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको फोन का जो डिजाइन है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। बैक साइड पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है और वहीं पर एलिसस का सपोर्ट है और नीचे की तरफ आपको रेडमी 5G का लोगो देखने को मिलता है। बात करते हैं स्मार्टफोन की कुछ एडिशनल फीचर की। तो नीचे की तरफ आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, टाइप सी पोर्ट, माइक और ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो इस फोन का जो प्राइस है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। बात करते हैं लॉन्च डेट की। तो नवंबर 22 में देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन आपको।